वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस यार अभी बज रहा है सुबह के 8:30 और गाइस यार आज है शुक्रवार जो कि आज रहता है अपना बिलपान का बाजार और हम यार अभी तखतपुर जाने के लिए निकल चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी देखते हैं क्या क्या रेट रहता है सब्जियों का और आज का मौसम देख सकते हैं यार आज का मौसम जो है बहुत बढ़िया है, धूप नहीं निकला है। हम लोग पहुंच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या सब्जी लेके आता है छोटू जो है। अभी गाइस यार हमने भिंडी बैगन और धनिया से शुरुआत कर ली है। तो ये देखो गाइस यार सबसे पहले हमने बैगन खरीदा था, बैगन को खरीदा है 28 रुपए किलो में और इसका वजन 38 किलो वजन है यार, देख सकते हैं अपना बैगन। ये देखो गाइस यार अपना भिंडी हमने खरीदा है 31 रुपए किलो में, 29 किलो भिंडी देख सकते हैं, इसको भी बोरी में भरवा दिया हूँ और क्वालिटी मस्त है भिंडी। खैर देखो पहला फल है करके बोल रहा था किसान जो है। और अपना धनिया ये देखो, धनिया ये है लगभग 4 किलो धनिया लिए है 120 रुपए किलो में और धनिया का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आज का धनिया देसी धनिया। तो अभी गाइस यार हमने खरीदे है लाल भाजी टमाटर और करेला, और करेला को जो कल खरीदा था उसी से आज फिर खरीदा है और आज 35 रुपए किलो में लिया है करेली। तो ये देखो गाइस यार अपना करेली जो कल खरीदा था ना उसी से आज फिर खरीदा है, देख सकते है अपना करेली का क्वालिटी। और इसका बिल ऊपर में ही रखा था यार, कहाँ गए बिल जो है। और सेम है यार 3 कैरेट है, कल से 1 किलो ज़्यादा है और कल से मतलब अपना 2-3 रुपए रेट भी ज़्यादा है देखो। और अपना ये वाला टमाटर 1 कैरेट लिया है 270 रुपए में, देख सकते हैं क्वालिटी थोड़ा डाउन है यार, एकदम से डाउन है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन 270 रुपये में लिया है, 30 रुपये बेचूंगा करके 1 कैरेट लिया है मात्र छोटू जो है, देख सकते हैं। और अपना लाल भाजी पूरा 4 से जुड़ी है, देख सकते हैं बांध दिया था यार, भूल गए वीडियो बनाना, देखो यही क्वालिटी का है। 400 जुड़ी लाल भाजी खरीदा है, 430 जुड़ी यार 230 इसमें है और 200 जुड़ी इसमें है, मतलब 430 जुड़ी है। तो अभी गाइस यार हमको जितना भी सब्जी लेना था ले लिया है और कल जो 65 रुपए में गंवार फली लिया था वही वाला सेम क्वालिटी का फिर आज लिया है 65 रुपए किलो में 13 किलो, कल 12 किलो लेके गए थे आज 13 किलो लिया है। यार अभी बज चुका है शाम के 3:30 और अभी अपना बाजार जाने का समय हो चुका है जो कि आज है शुक्रवार और बेलपान का बाजार रहता है। तो फिर चलो गाइस यार चलते हैं बेलपान का बाजार। तो फाइनली गाइस यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेलपान का बाजार, अब चलो अपना दुकान फटाफट लगाते हैं। ये देखो गाइस यार अपना 1200 रुपए क्रेट वाला टमाटर देख सकते है, 4 कटाई वाले लेके आए हैं और दूसरे क्वालिटी का भी है अपने पास कम रेट वाला। और आलू को डाल दिया है देख सकते हैं, 2 बोरा से ज़्यादा है मतलब 2.5 बोरा आलू है। ये देखो दूसरा क्रेट और डाल रहे हैं, ये वाला हम ख़राब ज़्यादा निकल रहे हैं यार देखो ना, ये देखो आलू। तो फाइनली गाइस यार अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है, चलो अब अपने सब्जियों का रेट बता देता हूँ फटाफट। चलो गाइस यार आज सबसे पहले यहाँ का रेट बताता हूँ, खीरा को दे रहे 30 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो और गंवार फली है 20 रुपये पाव, और ये वाला करेला 50 रुपये किलो, भिंडी 40 रुपये किलो, बैंगन 40 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो और आलू 40, मिर्ची है 20 रुपये पाव, धनिया भी है जितने का ले लो और यहाँ पर भी है देख सकते हैं मिर्ची। और छोटू ये देखो लाल भाजी को यहाँ पर डाल रहे हैं और ये रहा जितेंद्र भैया का दुकान, कद्दू मुनगा गंवार फली बैंगन अपना और लाल भाजी को जितेंद्र भैया दे रहे बेचने के लिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस कारण, 230 जुड़ी है पूरा वहाँ। हाँ देख सकते हैं गाइस यार मेरा दुकान भी लग चुका है, लाल भाजी है ये देखो 200 जुड़ी लाल भाजी है पूरा ईद, और इधर है अपना कद्दू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किलो है 30 रुपये किलो कद्दू दे रहा हूँ, 20 का 5 जुड़ी लाल भाजी रखा हूँ, इसका क्वालिटी देख ही सकते हैं, बाजार में उतना समय अच्छे से नहीं दिखाया था। और अभी देख लो 20 का 5 रखा हूँ, शुरू से 6 मांगेगा तो भी दूंगा लेकिन शुरू में नहीं दूंगा यार, उधर का रेट बता चुका हूँ पहले, उस साइड का रेट बताया हूँ। और बेलपान का बाजार है यार देख सकते हैं, अभी उतना ज़्यादा ग्राहक तो नहीं आए हैं। तो अभी गाइस यार 5:30 बजे है और देख सकते हैं मार्केट का हाल, अभी अपना लाल भाजी कुछ इतना बिका है, वीडियो नहीं बना पा रहा था यार थोड़ा सा बस भीड़ लगा, उसके बाद अपना 30 रुपये किलो हाँ बच्चा वाली, उसके बाद अपने पास यार ग्राहक ही नहीं आ रहे क्योंकि मार्केट तो पूरा खाली है देख सकते हैं।
और अभी कद्दू देखो 3 किलो बस बेचा हूँ, 8 किलो कद्दू लेके आया था जिसमें का अभी मात्र 3 किलो बेचा हूँ और 5 किलो बचा हुआ है। और वहाँ पर भी अभी देखो अपना सब्जी पूरा रखा है, लाल भाजी इतना बचा है, अभी भी वहाँ पर भी बचा है, वहाँ पर भी बचा है, यहाँ पर भी बचा है, तीनों जगह अपना लाल भाजी फैला के रखा हूँ, तो भी अभी इतना ही बिका है। और छोटू अभी टमाटर को 40 रुपये किलो चिल्ला है ना, छोटे से पूछता हूँ, छोटू ये छोटू टमाटर कैसे कर दिए 40 रुपये किलो चिल्ला रहे नहीं वाला टमाटर को, और वो वाला को 50, 10-10 रुपये कम, ये वाला को सीधा 20 रुपये कम, वो वाला को 10। चलो गाइस यार भैया जो है यार 20 का 6 मांग रहा है लाल भाजी को, 6 दे देता हूँ यार, पकड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। और कुछ कद्दू वगैरह 1 किलो 25 लगा दो कद्दू ले बेटा, खा ले पकड़ ना, ये ले पूरा उन्हीं एक को, ओके सर 6 दे दिया लेना, सब बढ़े सब बर बराबर, ये लो जेन आई लिए 20 के 6, हाँ 20 के 6 घर की मन खाई मैं ये कुहड़ा ले 20 रुपये किलो लगा दो, चला रख ले मुकेश देश, रख लेने हाँ, वो दोनों करके 1 किलो है, अभी अलग 1 किलो है, हाँ हाँ रख ले, हाँ मस्त है ना एकदम ताजा है। अभी गाइस यार मार्केट जो है खाली हो रहा है और अपना लाल भाजी अभी 40 जोड़ी के लगभग बचा हुआ है, उसको बेच के ही रहूँगा। और आज मेरा कैमरा मैन नहीं है, इस कारण ना उस पार का वीडियो ही नहीं बनाया यार, चलो बेचता हूँ बचे हुए लाल भाजी को फिर, ये लो 10 का 3 उमा का रख, तो ही रख ले 3 ठो निकाल लो उमा के, वो बड़े बड़े है मस्त मीडियम साइज है दे, ये ले तो गाइस यार अभी तो बाजार पूरा खाली हो चुका है और मेरे पास बचा है 35 जोड़ी लाल भाजी और 1 किलो कद्दू, और चलो उठाते हैं उसके, यार बाजार तो पूरा खाली हो गया है। और देखो छोटू के पास कितना सब्जी बचा हुआ है, इसको छोटू लाल भाजी कितना जोड़ी बचा है गिन तो, 10 जोड़ी वहाँ पर बचा है और 35 जोड़ी यहाँ पर, मतलब 45 जोड़ी लाल भाजी अपने पास बचा है। देखो 5-5 के कूढ़ा लगाए हूँ 6 ठो और ये 5 ठो नीचे में है, बस इतना है 1 किलो कद्दू। अब उठाते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सब्जियाँ बचा है, उसको भी मैं पहले इसको उठा लिया, अपने बची हुई सब्जी को हम लोग उठा लिया है और अभी गाड़ी में हो चुका है पैक, और सबसे पीछे हो जाते हैं हम लोग क्योंकि ना अपने पास बहुत ज़्यादा सब्जी बचा हुआ था। तो चलो गाइस यार अभी चलते हैं घर,